डोरे मौका ढूंढो रे, अंबर जमी पे लाने का। आपकी लाइफ बदल सकता है अगर इसे ढूंढो रे। छत पे चढ़ो जो हुनरबाज, तैयार हैं आप? खुद ही बना लो सीढ़ी, राहें मिलेंगी तुमको हरदम ही टेढ़ी मेढ़ी। थोड़ा सा चल के आजा, मचल के आजा, तू कर ले आ, कर ले तू आगाज। हुनरबाज है, हुनरबाज हम है, हुनरबाज आजा, हुनर दिखा दे आज। हुनरबाज है, हुनरबाज हम है, हुनरबाज आजा, दिखा दे आज। सब में किसी न किसी बात का डर होता है। किसी को तो ऊंचाई का डर होता है, तो किसी को पानी में डूबने का। आपको किस चीज का सबसे बड़ा डर है? मुझे? जी हाँ। हर किसी माँ के जैसे मेरा भी ध्यान हमेशा बच्चों की तरफ जाता है। तो मेरा डर यही है कि उन्हें कभी कोई चोट ना लग जाए। और आपका सिद्धार्थ जी? क्या बताऊं मैं आपको रेणुका जी, आप तो जानती हैं कि कुछ साल पहले मेरे घर में, मेरी बिल्डिंग में जी आग लगी थी। मैं 16 फ्लोर पे रहता हूँ और ये आग जो है 8 फ्लोर से स्टार्ट हुई। तो किसी तरह से अपने परिवार को मैं संभाल के जल्दी जल्दी से नीचे पहुँच गया। बिल्कुल रात को ये आग लगी थी। तो मुझे ऐसे ध्यान आया कि मेरे पास कुछ नहीं है। बैंक के पेपर्स, प्रॉपर्टी के पेपर्स, गाड़ी की चाबियाँ सब ऊपर हैं। तो ये आग में ख़त्म हो जाएंगी तो हम बर्बाद हो जाएंगे। तो मैं वापस चला गया। एक फायरमैन वहाँ पे मुझे मिला, छोटा सा था। तो उसने कहा, सर आप ऊपर मत जाइए। बट मैं तो चलने पे बिल्कुल मुझे तुले हुए था। तो उसने देखा कि ये अट्टा खट्टा 6 फुट का आदमी है, तो वो उसको मुझे तो रोक नहीं पाएगा। वो आपको मालूम है क्या किया उसने? वो मेरे पाँव पड़ा और मेरी टांगों को पकड़ के हाथ जोड़ के उसने मुझे कहा कि प्लीज आप ऊपर मत जाइए, ऊपर जाएंगे तो आप कभी वापस नहीं लौटेंगे। बाद में मुझे बात समझ में आई कि ऐसा क्यों हो सकता था। धुआं जो है पहले आपको सफोकेट कर देता है। आग तो आपको जला ही देगा, लेकिन उससे पहले धुआं आपको खत्म कर देगा। तो ये बड़े खौफनाक मोमेंट था और ये चीज जो है बहुत सीखने वाली चीज। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे साथ भी एक आग का हादसा हुआ है, पता है आपको? Really? हाँ, मैं एक बार अंताक्षरी सीरियल की शूटिंग कर रही थी और सेट पे दिवाली का मतलब एपिसोड था। जी जी। और हर जगह छोटे छोटे दिए लगाए हुए थे। बिल्कुल बिल्कुल। और मैंने बहुत खूबसूरत एक जॉर्जेट की साड़ी पहनी हुई क्या थी। बात है। इसलिए मेरी जो असिस्टेंट थी बार बार मेरे पास आके कह रही थी कि आप ध्यान रखिए नहीं तो आग लग सकती है। जॉर्जेट थोड़ा फैलता है। बिल्कुल। अनफॉर्चुनेटली वो मुझे सेव करते करते उसकी खुद की साड़ी को आग लग गई। हमारे दूसरे असिस्टेंट थे जिन्होंने प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज किया और उन्होंने पूरी साड़ी निकाल दी, वरना वो पूरी की पूरी हमारे सामने जल जाती। ओह माय गॉड। वाकई असली हीरोज वही हैं जो सही वक्त पे ठंडे दिमाग से सही काम करते हैं। हाय, मैं हूँ प्रिंसी। और मैं हूँ सनी। वेलकम टू हुनरबाज, स्किल टू विन पर। मुझे तो पक्का पता है कि इस एक महीने के ब्रेक में आपने चाहे सनी को मिस किया हो या नहीं किया हो, पर मुझे तो जरूर मिस किया होगा, है ना प्रिंसी? ये पीजेस तुम बचपन से मारती आ रही हो या फिर अभी कोई नया क्रैश कोर्स किया है तुमने? वेरी फनी यार। वैसे इस एक महीने के ब्रेक में हम आपके लिए बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी ऐसी जानकारी लेकर आए हैं जिन्हें देख कर आप बहुत कुछ सीख पाएंगे। बिल्कुल। तो आज के एपिसोड में हम जिस करियर ऑप्शन को डिस्कस करेंगे वो है फायर फाइटिंग। उससे संबंधित अलग अलग पहलू। चेकमेट नामक एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जहां तैयार किए जाते हैं फायर फाइटिंग के बेहतरीन हुनरबाज। भला फायर फाइटिंग जैसे गंभीर विषय में कैसे होगा कंपटीशन? और अंत में बूझो तो जाने जहां होंगे हमारे सवाल आपके जवाब। पहले मुझे ये बताओ प्रिंसी कि वैसे तो किचन में तुम जाती नहीं होगी, पर जस्ट इमेजिन, मतलब ऐसे ही सोचो कि कभी किचन में जाके कुछ बनाने की जरूरत पड़ जाए,
तो किस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा? फायर सेफ्टी। सनी, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मतलब आज सुबह मैंने तुम्हें जो आलू के पराठे बना के खिलाए वो अभी तक डाइजेस्ट भी नहीं हुए होंगे और तुम भूल भी गए। हाँ, मतलब उन पराठों को हजम करने के लिए भी एक हुनर की जरूरत पड़ेगी। क्या? नहीं प्रिंसी, मैं मजाक कर रहा हूँ यार, बट सीरियसली प्रिंसी के बनाए हुए पराठे, मतलब ये तो अलग हुनर है प्रिंसी का कि इतने अच्छे पराठे बना लेती है। यस, और वो भी फायर सेफ्टी का पूरा ध्यान रखते हुए। तो प्रिंसी, खुदा ना खास्ता किसी के साथ अगर ऐसा कोई हादसा हो जाता तो शुक्र है कोई तो है हमारी हिफाजत करने के लिए। बिल्कुल। हेलो, नमस्कार फायर ब्रिगेड। हाँ बोलिए सर। का साकीनाका जंक्शन कंट्रोल टू मरोड़ वर्दी गया, आग लगली। अंधेरी टू कंट्रोल, आग लगली, रास्ता एसी रोड साकीनाका। आग जब बेकाबू होती है तो कुछ नहीं देखती, किसी की नहीं सुनती, वो सिर्फ राख करना जानती है, चाहे उसके रास्ते में कुछ भी आ जाए। और अगर ये हादसा कभी आपके साथ हो तो? दिवाली की शाम थी। जनरली दिवाली के दिन हम सभी दिए के साथ और पटाखों के साथ काफी खुशियां मनाते हैं। घर के अंदर दिवाली की पूजा करने के बाद हम सभी खाने की तैयारी में थे कि अचानक बाहर से लोगों की चिल्लाने की आवाज़ें चालू हो गई। जैसे ही हम बाहर पहुंचे दौड़ के तो देखा कि हमारी घर की छत के ऊपर आग लगी हुई थी। ये जो छत पर लगी हुई आग आप देख रहे हैं, ये मेरे ही घर की छत पर लगी हुई आग है। काफ़ी इंतजार के बाद फायर ब्रिगेड आई, तो जैसे ही फायर ब्रिगेड आई तो उसे देख के लगा कि हाँ चलो भाई, राहत की सांस मिली कि भाई चलो ठीक है। और उन फायर ब्रिगेड के हुनरबाजों ने उस आग पर काबू पाया और हमें एक बहुत बड़ी त्रासदी से बचा लिया। इस तरह आग की लपटों को मात देकर आपको बचाने वालों को आप क्या कहेंगे? मसीहा, हीरो, फाइटर या फायर फाइटर? जाबाजी का भरपूर प्रदर्शन करते हुए आग से लड़ने वालों को तो हीरो कहना चाहिए। ऐसे हीरोज को ट्रेनिंग देने वाली, इन्हें तैयार करने वाली एक संस्था है चेकमेट। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से कुछ दूर गुजरात के बड़ौदा शहर में स्थित चेकमेट एक बिल्कुल अलायदा इंस्टीट्यूट है। मैं आपको ये बात गर्व से कहना चाहता हूँ, ये हमारे देश की बात है कि इसमें ये फैसिलिटी जो है सिर्फ एशिया में, हिंदुस्तान में ही नहीं, एशिया में पहली फैसिलिटी है। इनकी तारीफ इसमें नहीं है कि इनका टाइप अमेरिका में स्थित यूनिवर्सिटी ऑफ नेवाडा की फायर साइंस एकेडमी से है, जो विश्व में सबसे उम्दा इंस्टीट्यूट में से एक है, बल्कि उस वर्ल्ड क्लास तकनीक को इंडियन कंडीशंस में ढालना और उनका भरपूर फायदा उठाना इसमें है। चेकमेट एक ऐसी बेहतरीन ऑर्गेनाइजेशन है जहां एक साधारण व्यक्ति सिर्फ अपना जुनून लेकर आता है और कड़ी मशक्कत के बाद हीरो बनकर बाहर निकलता है। आग और उसकी प्रचंड लपटों से जूझने का कारण चाहे जो भी हो, जैसे ऑयल और गैस स्पिलेज, इलेक्ट्रिक फेलियर, शॉर्ट सर्किट, प्राकृतिक कारणों से दिवाली के पटाखे या फिर टेररिस्ट अटैक। जब यह इंसिडेंट हुआ तो हमको कुछ भी मालूम नहीं था कि क्या हो रहा है। 6th फ्लोर पे फायर बुझाने का, अंगार बुझाने का भी काम चालू था, प्लस रेस्क्यू ऑपरेशन का भी काम चालू था। तभी जो ताज के जीएम कांग कांग करके उनका नाम था, तो वो मेरे पास आए। उन्होंने बोला कि मेरा वाइफ और दो बच्चे 6th फ्लोर पे स्टक है, एक रूम में है, तो उनका कुछ मालूम नहीं हो रहा है। तो हम लोग बाद में ये ब्रॉन्टो लेके उसको केज ऑपरेशन करके, मैं पर्सनली वो 6th फ्लोर पे गया। हम लोगों ने ये भी नहीं सोचा कि यहाँ वहाँ अंदर टेररिस्ट है, क्रॉस फायरिंग होगा। हम लोग लाइक
कुछ भी, हमें कुछ भी हो सकता है। पूरा रूम को छानने किया, लेकिन उसका वाइफ और उसका दोनों बच्चे कहाँ पे भी मिले नहीं। हम लोगों को एक जो लोगों को बचा सके तो हमको एक अच्छा फीलिंग आता है उनके बारे में, और जिसको बचा नहीं पाए तो लाइक दैट डे वॉज लाइक ना काला दिन था बॉम्बे के लिए। हमें कुछ और मासूम बच्चे और जिंदगियां न गंवानी पड़े, इसके लिए जरूरत है ऐसे ही कुछ और जांबाज हुनरबाजों की, जिसके लिए जरूरत होती है कड़ी ट्रेनिंग की। और ऐसी ही ट्रेनिंग देकर फायर फाइटिंग के कुछ महत्वपूर्ण पहलू सिखाए जाते हैं चेकमेट में, जैसे आग की फैलती लपटों को बुझाना, रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए आग की चपेट में आए हुए लोगों को बचाकर सेफ जगह तक पहुंचाना। यही नहीं, आग या धुएं से प्रभावित लोगों को समय रहते फर्स्ट एड प्रदान करना। इसके अलावा ट्रैफिक एक्सीडेंट्स में मदद करना। ह्यूमन और एनिमल रेस्क्यू में भी फायर फाइटिंग का योगदान महत्वपूर्ण है। फुलवाड़ी में एक बिल्डिंग गिर गया 5 माले का। 5 माले का बिल्डिंग गिर गया तो जो ऊपर देखते थे लोग, उसको अग्निशमन दल के अपने जो फायरमैन लोग हैं, अफसर लोग हैं, उन्होंने निकलना शुरू किया। मैं भी था उधर। ये करते करते एक और बात सोचनी चाहिए कि ये तो ऊपर तुमको दिखते हैं, उनको निकाल रहे हैं आप, लेकिन अगर अंदर जो फंसा हुआ है वो अभी भी जिंदा हो सकता है, तो उसको निकालने का कोशिश देखिए कैसा निकाल जा सकता। अंदर जाके वो गज कैसा भी करके, तकदीर हमारी कुछ गिरा नहीं ऊपर से। उसी वक्त 3रे माले पे ऊपर का सब डेबरी गिरा था, और वहाँ से एक बिल्ली हल्लो हल्लो आवाज़ करती, और उसके साथ साथ एक छोटी लड़की की आवाज़ आ रही थी। उसको निकालने में 30 आवर्स लगे। और निकाली तो वो टेबल, बड़ा टेबल था, उसके नीचे वो लड़की ऐसी बैठी थी, और बाद में एक बिल्ली की छोटी किटन। अब बोला हम तो हमको कहा नहीं जाता, लेकिन जब उसको निकाल के माँ के हाथ में दिया, ये हमारे लाइफ का, हर एक फायरमैन का ये लाइफ का मोटो ये हो कि हम कुछ कर सकें इनके लिए। ये दुनिया में आके हमने ऐसी सर्विस ली जिससे सेटिस्फेक्शन मिला, और ये जो जाबाज लोग बोलता हूँ मैं, रियली जाबाज लोग है फायरमैन। चेकमेट में फायर फाइटर के इन हुनरबाजों को फायर फाइटिंग के कुछ महत्वपूर्ण फंक्शनों को भी सिखाया जाता है। फायरमैन और सब फायर ऑफिसर, उनको क्योंकि दूसरों की गलतियों का निवारण करना है, फायर अगर प्रोसेस प्लांट में हुई है तो उसको बुझाने जाना है, और उसके अंदर उनके एक्सीडेंट भी हो सकते हैं, उनकी दुर्घटनाएँ भी हो सकती हैं, उसके लिए सुरक्षा की ज्ञान भी होना चाहिए, जिसमें हम पढ़ाते हैं वेरी फंडामेंटल लेक्चर ऑन द एक्सीडेंट प्रिवेंशन टेक्निक, जो उनको अलाउ करता है कि वो साइकोलॉजी पहले एक्सेप्ट करें इस सब्जेक्ट को, सिंस दिस इज ए सब्जेक्ट इनवेरियली नोबडी लाइक्स टू एक्सेप्ट इट इन ए वेरी कॉमन वे। इसके अलावा चेकमेट में फायर फाइटिंग के हुनरबाजों को अलग अलग तरह की आग को पहचानने और उसे बुझाने के तरीके भी सिखाए जाते हैं, जैसे क्लास ए फायर। अरे वो ऊपर उठा, उसको ऊपर उठा। जिसमें आग अगर लकड़ी, कागज या फिर कपड़े को लगी हो, जायज है कि पानी के इस्तेमाल से वो बुझ जाएगी। क्लास बी फायर, अगर आग तेल, केरोसिन या फिर पेट्रोल से लगी हो, तो इस तरह की फायर को बुझाया जाता है फोम वाले DCP फायर एक्सटिंग्विशर से। इनमें से सबसे खतरनाक है ऑयल या गैस से लगी हुई आग, जिसमें आग की लपटें 50 से 60 फीट तक जाती हैं। इसीलिए चेकमेट में इन्हें इसे कंट्रोल करना सिखाया जाता है, जहां हर रोज सिर्फ ट्रेनिंग के लिए 2000 से 5000 लीटर पेट्रोल जलाया जाता है, और इसे बुझाने में करीबन 10000 लीटर पानी की जरूरत पड़ती है।
एक साधारण से लगने वाले पानी की होस्ट का प्रेशर इतना तेज होता है कि जरा सी चूक फायर फाइटर के साथ साथ आसपास के लोगों को चोट पहुंचा सकती है। इसीलिए पाइप्स को सही तरीके से अटैच करना भी एक स्किल है जिसे सिखाना बहुत जरूरी है। पर इस तरह की ट्रेनिंग इसलिए जरूरी है जिससे रियल सिचुएशंस में किसी भी फायर फाइटर को अपने कदम पीछे न हटाने पड़े। आग से भी ज्यादा खतरनाक आग का धुआं होता है क्योंकि धुएं में मौजूद कार्बन मोनोऑक्साइड घुटन से मार सकती है। एक स्थिति से निपटने के लिए चेकमेट में SBA यानी सेल्फ ब्रीडिंग एपरेटस का उपयोग सिखाया जाता है। इसके साथ ही तंग जगह से निकलने, पीड़ित व्यक्ति को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाने जैसी कड़ी ट्रेनिंग देकर फायर ब्रिगेड के हुनरबाजों को तैयार किया जाता है। ये पूरा स्किलफुल जॉब है, ये कोई एक आधा सीखा सिखाया आदमी नहीं कर सकता। जो फुल्ली ट्रेंड है पर्टिकुलर फायर फाइटिंग चीज के लिए तो वही कर सकता है, कोई अनट्रेन आदमी इसको नहीं कर सकता। अफसोस की बात है कि 1.2 बिलियन की आबादी वाले हमारे देश में जहां हर 500 लोगों के लिए एक फायर फाइटर होना चाहिए, वहां हालात ये है कि ऐसे जांबाजी वाले पेड प्रोफेशनल के मैन पावर काफी कम है। यदि आप में है हुनर जांबाजी, लोगों की सेवा करने की इच्छा और कुछ कर गुजरने का जज्बा, तो आइए पहनिए फायर फाइटर जैसे नोबल प्रोफेशन का तमगा। हमारे यहाँ पे बहुत शॉर्ट टर्म कोर्सेज भी होते हैं, लॉन्ग टर्म कोर्सेज भी होते हैं। इसके अलावा 10th प्लस 12th प्लस के लिए हमारे पास दो कोर्सेज है, एक सर्टिफिकेट इन फायरमैनशिप कोर्स है और दूसरा जो है हमारा सब फायर ऑफिसर कोर्स। और उसमें हमने फिजिकल स्टैंडर्ड्स भी रखा है, मिनिमम हाइट 165 और वेट 50 kg। फायर फाइटर का स्कोप सिर्फ फायर ब्रिगेड स्टेशन तक ही सीमित नहीं है, आप चाहें तो फैक्ट्रीज, एयरपोर्ट्स, सी पोर्ट्स और इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स जैसे विभिन्न क्षेत्र में भी काम कर सकते हैं। तो बताइए क्या है आप में हिम्मत, ताकत, जज्बा अपने व्यक्तित्व को फायर फाइटर्स के बेहतरीन करियर से गौरवपूर्ण करने का? सुनना चाहेंगे एक फायर फाइटर की कहानी, उसकी सुबानी। इस जॉब में जब से आया हूँ मैं, मेरे लाइफ में बहुत बदलाव आ गए। जब मेरी लाइफ पहले थी उससे बेहतर अच्छी हो गई और बहुत मान सम्मान मिला। आज मेरे पिताजी 2008 में देहांत हो गए थे, अभी पूरी घर की जिम्मेदारी मेरे पर थी जो मैं पूरी नहीं कर सकता था अगर ये इस फील्ड में नहीं आता। तो हमारे से ट्रेनिंग लिया है जो लड़के, वो भी आज हमसे अच्छी सैलरी और अच्छा सा घर चला रहे हैं। लोग ज़्यादा पढ़ने के बाद भी इतनी सैलरी नहीं ले रहे जो इस फील्ड में आने से सैलरी मिलती है। मुझे गर्व है कि मैं एक फायर फाइटर हूँ और फायर फाइटिंग ही मेरा हुनर है। पब्लिक को अवेयरनेस नहीं है, लेकिन ये फील्ड में काफ़ी सारी अच्छी अच्छी वैकेंसीज है विद गुड पैकेजेस, और एक अलग ही काम है जिसमें हम कुछ लोगों के लिए कुछ कर जान बचा सकते हैं। एज वी आर, हम लोग डॉक्टर के हिसाब के बराबर हैं। जिस तरह डॉक्टर्स जिंदगी बचाते हैं उसी तरह फायर फाइटर्स भी, मगर डॉक्टर्स अपनी जिंदगी से नहीं खेलते, ये जिम्मा तो बस फायर फाइटर्स के हिस्से में आता है। ठीक कुछ उसी प्रकार जैसे कि आर्मी, नेवी या फिर एयरफोर्स के जवान। आज ये फील्ड सिर्फ लड़कों को ही करियर के नए ऑप्शंस नहीं दे रहा, बल्कि उन लड़कियों को भी कुछ ऐसा चुनने का मौका दे रहा है जिसमें हौसले की जरूरत है। मेरा नाम श्वेता मरी रविंद्र जाधव, मैं यहाँ पे असिस्टेंट स्टेशन ऑफिसर की पोस्ट पे काम कर रही हूँ। जो लड़कियाँ हैं कि जिन्हें कुछ अलग करना है जिंदगी में, खुद को प्रूव करना है, तो दिस इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर यू टू प्रूव योर सेल्फ। मैं फायर ब्रिगेड में एज अ फायर वूमन का जॉब करती हूँ। मैं जब ट्रेनिंग में थी तब मेरी शादी नहीं हुई थी, अब मेरी शादी हो गई है। हम दोनों एक ही फील्ड में काम करते हैं तो वो मुझको बहुत सपोर्ट करते हैं, और मेरे घर वाले, मेरे सास ससुर भी मुझको बहुत सपोर्ट करते हैं। इसीलिए आज मैं शादी होने के बाद भी फायर ब्रिगेड में 15 दिनों के बाद ज्वाइन हो गई। आजा चले आज उस राह पर, हमको जहां मंजिलें हैं दिखी, हर हाथ में काम हो।